और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, दीपेंद्र चौधरी बनाए गए हैं यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है, लगातार इस पर मंथन चल रहा था और देखिए जो नाम सामने आया है वो दीपेंद्र चौधरी का नाम है अनु। बिल्कुल, और आज पूरी तरह से उम्मीद थी कि नाम सामने आ जाएगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। जहां स्वतंत्र देव सिंह इससे पहले कार्यभार संभाल रहे थे, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बने हुए थे, और इससे पहले जहां लंबा बैठकों का दौर चला है, दिल्ली में ये बैठकें हुई हैं और उसके बाद अब भूपेंद्र चौधरी बन गए हैं यूपी भाजपा के अध्यक्ष। इस वक्त की ये बड़ी खबर, भूपेंद्र चौधरी यूपी भाजपा के अध्यक्ष नियुक्त कर लिए गए हैं स्वतंत्र देव सिंह के बाद। अब भूपेंद्र चौधरी को ये जिम्मेदारी दी गई है, जहां भूपेंद्र चौधरी अब आगे जिम्मेदारी संभालेंगे। 2024 एक बड़ी चुनौती है और उसके लिए अब जिम्मेदारी दी गई है भूपेंद्र चौधरी को। संगठन मजबूत करना, 2024 की चुनौती से पार पाना, ये बड़ी जिम्मेदारी अब भूपेंद्र चौधरी पर रहने वाली है। तो भाजपा के अब उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं भूपेंद्र चौधरी, जहां दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चला है, कई नाम कतार में थे, कई नामों पर मंथन चल रहा था, लेकिन अब भूपेंद्र चौधरी के नाम पर आखिरी मोहर लग चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, भूपेंद्र चौधरी इस वक्त चुन लिए गए हैं। और एबीपी गंगा की खबर पर भी मोहर लग गई है, भूपेंद्र चौधरी जहां दौड़ में सबसे आगे थे, ये एबीपी गंगा अपने दर्शकों को पहले ही बता चुका था। और अब देखिए इसी नाम पर मोहर लगी है, भूपेंद्र चौधरी बन गए हैं यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। इस वक्त की ये बड़ी खबर, इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी निभा रहे थे, और अब फुल फ्लेज प्रदेश अध्यक्ष यूपी को मिल चुके हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी। और खुद भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई आपको। कैसा पहला रिएक्शन आपका रहा जब आपने अपने नाम को सुना इस पद के लिए? भूपेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तो योगी सरकार के मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी, और देखिए ये फाइनल नाम सामने आ चुका है, भूपेंद्र चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए उत्तर प्रदेश में। भूपेंद्र चौधरी बने यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष, योगी सरकार में मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी, उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। हालांकि एबीपी गंगा लगातार ये आपको संकेत दे रहा था, ये खबर आपको बता रहे थे हम कि भूपेंद्र चौधरी बन सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष, और देखिए बिल्कुल एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लग गई है। योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी, जिन्हें नई जिम्मेदारी मिल गई, यूपी भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, हालांकि लगातार ये खबर आपने भी दी थी और आपने कहा था कि ये कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी का नाम हो सकता है, और बिल्कुल उसी तरीके से खबर पर मुहर लगते हुए भूपेंद्र चौधरी बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चौधरी बन गए हैं भूपेंद्र चौधरी। जी हाँ, चौधरी बने हैं, अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र चौधरी। मुहर लग गई है, जेपी नड्डा ने इस पर मुहर लगा दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के खाटी नेता, संघ की पृष्ठभूमि से, और 1991 में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से काम करना उन्होंने शुरू किया। जिला अध्यक्ष से लेकर कैबिनेट मंत्री तक का सफर भूपेंद्र चौधरी ने तय किया है। मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष थे, क्षेत्रीय मंत्री थे पश्चिम क्षेत्र के, क्षेत्रीय अध्यक्ष थे पश्चिम क्षेत्र के, और उस जमाने में क्षेत्रीय मंत्री थे जब केवल एक क्षेत्रीय मंत्री हुआ करता था। और अब तो जमाने में बहुत सारे क्षेत्रीय मंत्री बन गए, बहुत सारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बन गए, बहुत सारे मीडिया पैनलिस्ट बन गए, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन उस दौर में वो पश्चिम के क्षेत्रीय मंत्री बने थे, जब महासचिव बने थे, जब केवल एक क्षेत्रीय मंत्री हुआ करता था, उसके बाद से वो क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे। फिर जो योगी सरकार प्रथम बनी उसमें स्वतंत्र प्रभार के इसी विभाग के पंचायती राज के ही मंत्री बने, और फिर काम को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2022 में जो सबसे कठिन दौर माना जा रहा था, उसमें भूपेंद्र चौधरी ने किस तरीके से काम किया, और इस उपचुनाव में, लोकसभा के उपचुनाव में रामपुर में उनकी ड्यूटी लगाई गई, और जिस शिद्दत के साथ उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, उसका इनाम मिला है भूपेंद्र चौधरी को। भूपेंद्र चौधरी बड़े ही सरल, सहज, और उनकी वेशभूषा आप देखती होंगी
लोग कहते हैं कि मंत्री बनने के बाद बड़ी बड़ी लोग घड़ी गाड़ी व्यवस्था सिस्टम सब कुछ आ जाता है, लेकिन जो भूपेंद्र चौधरी को देखा है मंत्री बनने से पहले यानी योगी वन से पहले जब वो संगठन में काम करते थे तब का वेशभूषा और अब दो बार के वो मंत्री तब भी उनका जो रूप रंग वेशभूषा उसमें कोई बदलाव नहीं आया, ना उनके व्यवहार में कोई बदलाव आया। तो ये उनकी जो सादगी है और कनेक्टिविटी है अपने कार्यकर्ताओं और अपने जो छोटे छोटे बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनसे उनका जो संपर्क है और सरकार और संगठन के बीच समन्वय की जो उनकी भूमिका रहेगी, जो उनका व्यक्तित्व है, उस लिहाज से इसका जो फैसला हुआ है वो बेहतर माना जा रहा है। जो सरकार के कुछ लोग हैं उनका ये कहना है कि चूंकि योगी सरकार में प्रथम में द्वितीय में वो रह चुके हैं तो सरकार के क्रियाकलाप से वो वाकिफ हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गतिविधियों से क्रियाकलाप से वो वाकिफ हैं और संगठन में वो जिलाध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष महामंत्री बिल्कुल बिल्कुल वीरेश जी बड़ी जिम्मेदारी है और किस तरह से उनकी मेहनत रही है ये उसी का नतीजा है। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।